जो मैंने कंप्लेन दायर की है जिसमें उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द होगी। आवाज है और कोर्ट हमारा भगवान, कानून से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ये वातावरण जहाँ ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं, पहुँचाइए। चीख चीख के बच्ची रो रही है, अब बताइए क्या इसका न्याय नहीं मिलेगा? देख रहे ना, मैं झूठ बोल सकती हूँ, तस्वीरें झूठ बोल सकती है, क्या इस लड़की की चीखें झूठ बोल सकती है? रिकॉर्ड कीजिए और आवाज पहुँचाइए वहाँ तक जहाँ ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं, पहुँचाइए। चीख चीख के बच्ची रो रही है, अब बताइए क्या इसका न्याय नहीं मिलेगा? कानून भी इसका न्याय देगी, देखते जाइए। नो बड़ी एवं की लॉ, नो बड़ी एवं की लॉ। वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा होते रहता है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद देख रहे हैं ना, मैं झूठ बोल सकती हूँ, तस्वीरें झूठ बोल सकती है, क्या इस लड़की की चीखें झूठ बोल सकती है? बोल सकती है, आप खुद बताइए। मैं बहुत मामूली लड़की हूँ सर, बहुत मामूली लड़की हूँ, लेकिन आवाज बनूंगी। इसलिए सारी बातों को पहले मैं पूरी तैयारी के साथ इस केस को भी, लेकिन रूपम जी ये भी देखा गया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है अपने डॉक्टरों को बहुत हद तक 99% बचा लेता है। लेकिन जो इस लड़की के साथ हुआ है, ठीक है, क्या लगता है आपको? वो जब डॉक्टर बनते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि हम अपने मरीजों की सेवा करेंगे। जैसे हम कानून की जब लड़ाई लड़ने लगते हैं, या एक प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो अपने जनता की सेवा के लिए शपथ लेते हैं कि नहीं? वो डॉक्टर भी लेता है शपथ, लेता है, तो उन्होंने भी तो शपथ ली होगी। आखिर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें विश्वास पे टिकी हुई है, विश्वास सबसे बड़ा चीज है, उसके बाद संविधान पे टिकी हुई है। जब संविधान पे बात आती है तो खुद कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। आप जानते हैं चीज को, पिछले गायघाट रिमांड होम में भी लिया था स्वतः संज्ञान पेपर में आने के बाद। तो बस मैं आप सबसे बोलूंगी, आप हमारी आवाज है और कोर्ट हमारा भगवान, कानून से बड़ा भगवान कोई नहीं है। क्योंकि आपके साथ भी गलत होगा तो कौन किसका दरवाजा खटखटाएंगे आप? कानून का। और जब इतनी बड़ी पार्टी इस मैदान में उतरी है तो उसके अगेंस्ट में सारी तैयारियों के साथ उतरना होगा। क्योंकि मैं बहुत मामूली आदमी हूँ भाई, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, मुझ पर भी प्रेशर आएगा। आज ये वीडियो आप कहीं डालेंगे वायरल होगा, अरे ये लड़की कौन है, इसको पकड़ो। इसीलिए मैं सारी तैयारियों के साथ आई हूँ, सारे साक्ष्य के साथ। हमारे पास एविडेंस है मोबाइल से, उसमें आपको दिखाएंगे। इसीलिए तो ये साथ, इसका मैं क्या बोल रही हूँ, इसका जवाब यहाँ है। हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, केस वापस लेने का प्रेशर ना बने, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला केस फाइल किया है NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आज ही फाइल किया है। क्योंकि केस की जानकारी कल रात को मुझे हुई और मैं तुरंत कल रात में ही आने वाली थी मेरे पास। रूपम एक सवाल बता, हाँ बोलिए। कोई भी आदमी केस करता है तो न्याय के लिए करता है। बिल्कुल, आपने केस किया है तो इसका मोटिव, इसका अंत क्या होगा? आप इसका अंत यही होगा, इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय से आपका क्या तात्पर्य है? बच्ची को जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कंपनसेशन और जॉब मिल जाए, ये चाहिए ना बस। तो सरकार के सामने और डॉक्टर पे, डॉक्टर और नर्स पे कार्रवाई भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। देखिए मैं बताती हूँ, कानून के पास जब ये पहुंच गया है, कानून क्या करेगा? कानून ऑटोमेटिकली उनको उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा हॉस्पिटल पे कार्रवाई नहीं, ऑटोमेटिकली बिल्कुल। इसमें सारा कुछ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आप लीजिए, इसके इतने सारे सवालों के जवाब है। उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने के लिए मैंने एक मिनट मैं बताती हूँ कहाँ मैंने कंप्लेन किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्यों फाइल किया था इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा। इसमें जो मैंने कंप्लेन दायर की है इसमें उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द होगी। इसमें बहुत गंभीर से बनते IGC के सेक्शन जाएंगे, साथ में इसमें CRPC के जाएंगे, क्योंकि कंकड़बाग थाने में जो FIR दर्ज करने गई है हमारी क्लाइंट, तो इनका FIR भी दर्ज नहीं लिया गया, ठीक है। डायरेक्ट उनका कहना है कि आप पेपर लेके आइए, आप बताइए जो आरोपी है आप उनको रक्षा दे रहे हैं, जो आरोपी नहीं है उनको आप दौड़ा रहे हैं। तो मैं उन सभी को बोल देना चाहती हूँ जो भी केस के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहा है कंप्रोमाइज कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख अथवा 50 लाख दीजिए, लेकिन अब जो मैंने किया है उससे कोई नहीं बच सकता। मैं आपको पहले इसको दिखा दूँ सारे सवाल से पहले, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ है, ठीक है।
और मैं सारे कॉपीज आपको दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर से बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। और कानून से जिन्होंने मजाक किया है, संविधान से जिन्होंने मजाक किया है, आपके माध्यम से मैं उन्हें बता दूं कि कानून भी ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, राइट टू लाइफ सबके पास है, और इसके राइट को हनन किया गया। लेकिन रूपम आपने हाँ, अभी कहा कि आप जानते हैं कितने बड़े लोग हैं, तो वो तो आपके ऊपर भी प्रेशर देंगे, आपको मैनेज करेंगे। इसीलिए तो ये साथ मैं क्या बोल रही हूँ, इसका जवाब यहाँ है, हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, केस वापस लेने का प्रेशर ना बने, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला केस आरोग्य संस्थान, आप जानते हैं कि जिनका है, नहीं नहीं जानते जी, जिनका महावीर मंदिर है, ठीक है, और जब बात उन पे उठेगी तो सवाल तो यही आएगा कि भाई पेशेंट की गलती थी, ये वो डिपेंड ले सकते हैं। ऐसा कहेंगे तो सरकार के हिस्सा भी है, हिस्सा भी है ना, सही बात आपने कहा है। अशोक चौधरी जी की भी बेटी, उनकी बहू है, बिल्कुल बहू है, तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। आरोप लगा रही हैं, आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो सच है खुद वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे स्टाफ ने गलती की है, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया है, पूछे सामने है, क्या रोशनी जी एक्सेप्ट किया उन्होंने, क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है इसे, पूछिए किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर। और कुणाल सर ने पैसा भी दिया, पैसा भी दिया, और दिल्ली जाने का टिकट भी बुक किया। कितना पैसा दिया? 2 लाख के आसपास। आपकी माता श्री के अकाउंट में है? जी। क्या है आपकी माता श्री का नाम? इनका स्टेटमेंट होगा अकाउंट, हाँ स्टेटमेंट होगा ना, वो एक वो आपके अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ वो किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, आरोग्य संस्थान के अकाउंट से? आरोग्य संस्थान, उसी संस्थान के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ आपके, मतलब संस्थान ये मानती है उनकी।